असम में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस सत्ता में लौटेगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। इस बीच वोटिंग के दौरान AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने भविष्यवाणी की है कि किसी को बहुमत नहीं मिलेगा और वो किंग मेकर की भूमिका में होंगे। हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के हिसाब से हम उभरेंगे, इसकी हमें पूरी उम्मीद है। न बीजेपी, न उनके अलाई, न कांग्रेस, एक नंबर सिंगल पार्टी के हिसाब से हमारी पार्टी उभरेगी। सरकार किसकी बनेगी, किसका बनेगा मुख्यमंत्री? सरकार जिसको हम बनाएंगे वो बनेगी। असम में वोटिंग खत्म होने से पहले बदरुद्दीन अजमल ने खुद को किंग मेकर बता दिया है और साफ कर दिया है कि वो चुनाव के बाद कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, बशर्ते सोनिया गांधी खुद फोन करे। अब तक ये होता था कि हम कांग्रेस के सामने जाते थे, कांग्रेस जब 200, 250, 300 पार्लियामेंट में होते थे, अब कांग्रेस गिर के माशाल्लाह 44 पे आ गई। सरकार बनाने का सपने नहीं देखना चाहिए, हमेशा लोग जाते थे उनके पास, ये पहली मर्तबा होगा कि वो लोग हमारे पास आएंगे। पोस्ट इलेक्शन हमारी कोई भी बात बीजेपी से तो हो ही नहीं सकती, कांग्रेस वालों से कोई बात है तो उनको आगे बढ़ के आना पड़ेगा और लोकल लीडरशिप के साथ बात नहीं करेंगे। हालांकि बदरुद्दीन के ऑफर को कांग्रेस ने ये कहकर अभी खारिज कर दिया है कि उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ने वाली। पिछली बार भी हमारी मेजोरिटी आई हुई थी और आज भी हमारा ये कहना है कि हमारी क्लियर कट मेजोरिटी आएगी और हमें किसी की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां कह रही हैं कि इसकी नौबत नहीं आने वाली है क्योंकि सरकार बीजेपी गठबंधन की बनने वाली है। सरकार भी होगा तो बीजेपी, एजीपी, बीपीएफ और तिवा काउंसिल का जो अलायंस है ये गवर्नमेंट करेगा मई महीने में। असम में चुनाव खत्म हो गया है, अब 19 मई को ही तय होगा कि सरकार कौन बनाएगा, लेकिन असम की राजनीति में बदरुद्दीन अजमल की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता। साल 2005 में अपनी पार्टी बनाने वाले बदरुद्दीन खुद धुबरी सीट से लोकसभा के सांसद हैं और इनकी पार्टी ने 2014 के चुनाव में लोकसभा की 3 सीटें जीती थी। मौजूदा विधानसभा में AIUDF के 18 विधायक हैं। मुस्लिम वोटरों पर बदरुद्दीन की अच्छी पकड़ है और राज्य में 40 से 50 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक स्थिति में है। यही वजह है कि परफ्यूम मेकर बदरुद्दीन खुद को असम की राजनीति का किंग मेकर मान रहे हैं। सरकार किसकी बनेगी, किसका बनेगा मुख्यमंत्री? सरकार जिसको हम बनाएंगे वो बनेगी। जिसको हम बनाएंगे। हकीमी पानी पिलाकर मरीजों को ठीक करने का दावा करने वाले बदरुद्दीन की गिनती दुनिया के 500 ताकतवर मुस्लिमों में होती है। परफ्यूम के अलावा इनका रियल स्टेट, शिक्षा, हेल्थ केयर और कपड़ों के क्षेत्र में भी बड़ा कारोबार है जो करीब 20 देशों में फैला हुआ है।